इस कार्यक्रम में मुसलमान भाइयों की तादाद काफी अच्छी थी और उनके साथ ही अपने हिंदू भाइयों की भी तादाद बहुत अच्छी थी। मालेगांव हमेशा ही हिंदू मुस्लिमों के लिए एक मिसाल बन के आगे आया है। इसी बात के लिए सभी ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि भाईचारा बना रहे, ये भाईचारा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इस वजह से मालेगांव की जो बातें ये पूरे देश में बहुत जल्दी पता चलती है, इसलिए ये अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। इस प्रोग्राम के लिए हमारे उपनेता आदवे आबा हिरे ये बाहरगांव से आए हुए थे, उसी तरह मालेगांव मध्य के माजी आमदार अग्रसिद्ध साहब भी आए थे, उसी तरह पुलिस पीआई साहब भी थे, उसी तरह गांव के जाने माने लोग काफी आए थे। सिर्फ पक्ष के नहीं तो पक्ष के बिना जो समाज में बहुत कुछ अहमियत रखते वो सामाजिक कार्यकर्ता सभी हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पर आए हुए थे। इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत ली, जीतू बापू और उनके सब सहकारियों ने, उनका भी इस कार्यक्रम की वजह लिए हम तहे दिल से शुक्रिया मानते हैं। इस कार्यक्रम के लिए अपने संगमेश्वर मस्जिद के मौलाना साहब भी अपना अच्छा खासा टाइम दिए, इसलिए उनका भी मैं बाला साहेब उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज बरोज इतवार 24 रोजा हमारे महल्ले समक्षेर के जीतू भाई के तमाम ग्रुप वालों ने इफ्तार पार्टी का नज़्म किया था, जिसके अंदर उन्होंने तमाम ही लोगों को शरीक किया, भेदभाव को किनारे करके हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने की कोशिश की है। और खुसूसन हमारे महल्ले के शान हमेशा ही रही है कि हम लोग अपने महल्ले के ना कभी किसी को अलहदा नहीं करते, या हम लोग हमेशा मिलजुल कर ही रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि महल्ला हमेशा मिलजुल कर ही रहे, क्योंकि इलाका ही ऐसा ही हसास इलाका है, यहाँ तमाम मजाहब के लोग मिलकर ही रहते हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों ने ये प्रोग्राम रख कर ये साबित कर दिया कि हम भी आपके साथ में हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम, हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया। आज का ये जो प्रोग्राम है ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के तरफ से इसका आयोजन किया गया था, इफ्तार पार्टी, और इसमें काफी बड़ी संख्या में सभी मुस्लिम भाई शरीक हुए। और ये करने का आयोजन ये था कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश पूरे ये राज्य में, पूरे देश में जाने होना, और ये हमारा मालेगांव है, ये हमारा ताना बाना है, ये गंगा जमुना तहजीब है, और इसको हम बरकरार रखने के लिए खास करके आज का ये प्रोग्राम का इंतजाम किया है, और इसको अच्छी तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लोगों ने यहाँ रोजा अफ्तारी की है। हमारे सभी मुस्लिम भाई हमारे बुलावे के ऊपर, कहने के ऊपर बड़ी संख्या में आए, उनको हम रमजान ईद की शुभेच्छा देते और उनको अच्छी सेहत और अच्छी उनको कामयाबी मालिक दे, ये कामना करते। कार्यक्रम के अंदर हमारे शिवसेना के उपनेता सम्माननीय आदवाई जी आबा हीरे, जिनकी प्रेरणा से आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और उनके साथ हमारे शिवसेना के संपर्क नेता जैन जी दिंडे साहेब, हमारे सभी शिवसेना के पदाधिकारी बड़ी संख्या में आज कार्यक्रम में मौजूद थे। आज यहाँ पर जो अफ्तार पार्टी का जो प्रोग्राम रखा गया है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से मालेगांव समक्षेर की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है, हमारे यहाँ का ये जो जिम्मेदार है, जिनको अभी दो दिन पहले सामना पेपर के जरिए जो नियुक्त किया गया है, ऐसे हमारे जितेंद्र देसले साहब, जिनको उप जिला प्रमुख सदर की जिम्मेदारी दिया गई है, इस मौके के ऊपर उन्होंने सोचा कि इस मुबारक महीना है और मैं क्यों ना एक अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखूं, और इन्होंने सभी ने जिम्मेदारों ने शिवसेना के जितने पदाधिकारी हैं, यहाँ पर हमारे क्रांति पाटिल साहब है, हमारे प्रकाश भाई है, हमारे जिला के सदर प्रेम जी माड़ी साहब है, हमारे अक्षय जी महाजन साहब है, सभी तमाम जिम्मेदार लोगों ने इसमें मेहनत लिया और ये प्रोग्राम रखा, और इस प्रोग्राम के अंदर तमाम मुसलमान भाइयों ने, समक्षेर के मुसलमान भाइयों ने यहाँ पर अफ्तार किया, और मैं मालेगांव शहर समक्षेर कमेटी की तरफ से
इन जिन जिन हजरात ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको ऐसी कामयाबी दे जिस तरह हमारे मजहब में बोला जाता है एक का 70 मिलता है। तो हमारे जितेंद्र भाई साहब को जो जिला नायब सदर की जिम्मेदारी मिली है, तो आने वाले दिनों में इनको और बढ़ोतरी मिलेंगी। क्या इतना ही बोलते हुए मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।